दोबारा बोलिए। बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई संरक्षक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के नेतृत्व में हम सभी एक हैं, और जैसे कि चौधरी भजनलाल जी ने भी इस समाज को बहुत आगे बढ़ाया, हम उन और कुलदीप जी भी उन्हीं के प्रयासों को पूरा करने में लगे हैं, हम उनके साथ हैं और आगे भी जो भी समाज में जो हम समाज को एकजुट करके चलेंगे, एक साथ मिल के चलेंगे, पूरी टीम हमारी इकट्ठी है, सभी कुलदीप जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और पूरा समाज इस परिवार का आज भी ऋणी है जिन्होंने इस समाज को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, नहीं तो हमारे समाज में बड़ा काफ़ी आपस में पिछड़े हुए थे। आज हर क्षेत्र में हम इस परिवार की चौधरी भजनलाल जी की देन है जो हम आज यहाँ पहुँच रहे हैं, और उनके अधूरे काम उम्मीद करते हैं आगे कुलदीप जी भी सारे पूरे करेंगे, और कुलदीप जी लगे भी हुए हैं समाज में कोई छोटी मोटी भ्रांतियाँ उनको दूर करते हैं, हर एक के दुख सुख में शामिल होते हैं, और हम कुलदीप जी के जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे, सभा के जो पेंडिंग कार्य है वो सारे पूरे कराएंगे। धन्यवाद। आज का क्या हाजिर, कितने बजे पोलिंग स्टार्ट हुई थी, गिनती स्टार्ट हुई थी? पोलिंग स्टार्ट हुई थी 10 बजे जी, गिनती दस बजे गिनती स्टार्ट हुई, और उसमें 12 बजे तक पूरे रिजल्ट आ गए, और उसमें प्रधान मुझे मैं 63-63 के अंतर से विजयी हुआ हूँ जी, और सेक्रेटरी में मनोहर लाल जी हैं वो 65-20 के भारी अंतर से विजयी हुए हैं, और बाकी हमारे कैशियर साहब हैं वो निर्विरोध चुने गए हैं जी, और उप प्रधान 2 चुने गए हैं, आत्मराम जादूदा और दूसरे सुरेंद्र लांबा, बाकी सारी हमारी कार्यकारिणी सर्वसम्मति से बनाई गई है, कोई उसमें वो नहीं था जी, और इसके लिए हम चौधरी कुलदीप बिश्नोई के आभारी हैं जिनके नेतृत्व में समाज एकजुट होकर कार्य कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, और समाज उन्हीं के बताए हुए रस्तों पर चल के हम उनका विजन जो है वो पूरा करने की कोशिश। कितने साल के लिए ये बोर्ड गठित है? 3 साल के लिए गठित है, 3 वर्ष के लिए जी। टोटल कितने वोट है अपने से? टोटल 98 वोट हैं जिनमें से 93 पोल हुए, बाकी एक्सपायर हो चुके थे, तो बाकी कुलदीप जी बिश्नोई के नेतृत्व में हम जो उनका लक्ष्य ये है कि जैसे चौधरी भजनलाल जी ने समाज को ऊपर उठाया उस तरह वो समाज। एक वन्य प्राणियों के बारे में हमेशा बातें आती है कि वो ब्लेड वाली तारे वगैरह लगा देते हैं जिनसे बहुत सारे हिरण है वन्य प्राणी है वो अपनी जान गवा देते हैं, तो उसको हटवाने के लिए सभा की तरफ से क्या कुछ वो भी हम आगे गांव दर गांव जाएंगे।